पलामू जिले के तरहसी प्रखंड स्थित बेदानी खुर्द के मैदान में कुमार स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा आयोजित नॉकआउट कॉस्को क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ। फाइनल मुकाबला मंझौली वन पंचायत बनाम गुरहा पंचायत के बीच खेला गया। गुरहा की टीम ने फाइनल मैच को 66 रन से जीता। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि कुमार स्पोर्टिंग क्लब बेदानी खुर्द के संयोजक सह सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र पासवान ने विजेता और उप विजेता टीम को पुरस्कृत किया। विजेता टीम को 11,000 रुपये नगद और शील्ड प्रदान किया गया, जबकि उप विजेता को 5,000 रुपये नगद और ट्रॉफी दी गई। बेहतर प्रदर्शन करने वाले गुरहा के करण कुमार को मैन ऑफ द मैच एवं सोनू सिंह को मैन ऑफ द सीरीज दिया गया। मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि पंचायत की प्रतिभा को निखार कर उन्हें पहचान दिलाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। बेदानी खुर्द मैदान में पंचायत स्तरीय टूर्नामेंट इसी प्रयास का एक छोटा प्रारूप है। टूर्नामेंट में अलग अलग पंचायतों से 16 टीम भाग ली थी। फाइनल मैच में पांकी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी मुमताज खान, हुसैनाबाद नगर पंचायत की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती उषा देवी, पूर्व विश्वसूत्री अध्यक्ष सचितानंद पांडे समेत कई गणमान्य लोग और काफी संख्या में दर्शक उपस्थित थे। स्टेडियम बनाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो है राशि आवंटित होनी चाहिए। यह व्यक्तिगत कोष से संभव नहीं है और वर्तमान समय में अभी हम किसी भी संवैधानिक पद पर सुशोभित नहीं है, जिस कारण जो है हम चाहकर भी हमारे मन में जो भावना है उसको हम मूर्त रूप नहीं दे पा रहे हैं, उसको जमीन पर नहीं उतार पा रहे हैं। तो अगर जिस दिन भी यह अवसर मुझे प्राप्त होता है, जिस दिन मैं राज्य सरकार का अंग हो जाता हूँ या किसी भी संवैधानिक पद पर आसीन हो जाता हूँ, तो मैं आपको जो है भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि बेदानी खुर्द का यह जो ग्राउंड है ये निश्चित रूप से सुशोभित होगा। यहाँ के खिलाड़ियों को अपने खेल की प्रतिभा को सुधारने के लिए एक अच्छा अवसर हम प्रदान करेंगे।